गणपति बप्पा मोरिया। सिलचर में भी पधारे हैं हमारे गणपति, तो चलिए मेरे साथ करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। यहाँ का डेकोरेशन देख के पहले ही मैं अपना दिल हार चुकी हूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत है यहाँ की राधा कृष्ण है और श्री राम तो आपने पहले ही देखा है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं गणपति बप्पा के पास। यहाँ अभी भी पर्दा लगा हुआ है, तो दर्शन करने के लिए मुझे बाद में आना होगा। एनीवे, यहाँ नहीं तो आगे ही सही। अब मैं भीड़ को चीरते हुए आगे जाऊंगी संजय मार्केट की ओर, क्योंकि वहाँ पर भी धूमधाम से गणपति बप्पा का उत्सव मतलब गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। गणपति बप्पा को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, और यहाँ देखिए इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, पर मेरी आंखें तो किसी और को ही ढूंढ रहा है। एंड हियर ही इज गणपति बप्पा मोरिया। इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना हमारे गणपति, अब मैं इनके बारे में क्या ही बोलूं। बस इतना ही आशा करती हूँ गणपति बप्पा हम सब पर अपनी कृपा बरसाए, क्योंकि गणपति के बिना क्या ही जीना। यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम मतलब गणपति बप्पा के गाना, और मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और गणपति बप्पा है, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। एंड हियर इज द वर्स्ट थिंग ऑफ आवर सिटी सिलचर, ट्रैफिक जाम। कहीं पर जाना हो तो एक घंटा पहले निकलना होता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हम टाइम से पहुंच पाए। और सामने दुर्गा पूजा भी है, जिसके कारण ये ट्रैफिक जाम हर दिन के साथ बढ़ता ही रहेगा। एनीवे, यहाँ देखिए सिर्फ इंसान ही नहीं आसमान भी लाइटिंग के साथ गणपति बप्पा का स्वागत कर रहा है, लेकिन ये हमारे लिए एक इशारा है जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। इसी बीच इस ट्रैफिक को सुलझाते हुए हमारे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड का नजारा कुछ और ही है, जिसे देख के मैं तो डर गई। रुकिए, आप सबको भी दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए ये जैम कितनी लंबी है। थैंक गॉड ना ही हम गाड़ी से आए हैं और ना ही हमें अभी उधर जाना है, बल्कि हम तो वहाँ से आ भी चुके हैं। एनीवे, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और लाइन अभी भी है। तो आप लोगों के लिए मतलब जो लोग सिलचर से हैं या सिलचर आने वाले हैं, उनके लिए एक चेतावनी, अगर आप सिलचर आए तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके आए, क्योंकि ट्रैफिक जाम में आपका कितना टाइम जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इफ़ पॉसिबल आप अल्टरनेटिव रोड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइम से पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी आप लाइटिंग देख सकते हो, मतलब यहाँ पर भी है हमारे गणपति बप्पा, तो चलिए करते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से सजाया गया है, और ये सब देख के मन तो वैसे ही खुश हो जाता है। ऊपर से गणपति बप्पा आए हैं, इसकी अलग खुशी। वैसे आपने गणपति बप्पा के दर्शन किए कि नहीं? अगर नहीं तो जल्दी जाइए और गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। और ये रहे हमारे प्यारे गणपति बप्पा। बप्पा को और भी करीब से देखने के लिए वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, मैंने उसके हाथ में कैमरा थमा दिया, और फिर देखिए यहाँ काम अभी भी चल रहा है, और बप्पा का गधा साइड में रखा हुआ है, अभी तक बप्पा तक नहीं पहुँची। चलिए, बप्पा के दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। काम यहाँ पर चल रहा है, तो इन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए मैं अभी ऐसे निकलती हूँ। पर जाने से पहले आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जाते जाते मुझे करना पड़ा धूल भरी आंधी का सामना। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे धूल उड़ रही है, और सारी बाइक्स रुक गए हैं क्योंकि सबकी आंखों में धूल चली गई है, इंक्लूडिंग मी।
तो अभी बारिश आने से पहले जल्द से जल्द मुझे पहुंचना होगा घर, क्योंकि बारिश के साथ साथ धूल भी उड़ रही है, हवा काफ़ी तेज़ हो चुकी है। पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए मैं फिर से जाऊंगी, तो आप लोग रहिएगा मेरे साथ। तो अब तेज हवा के साथ रेसिंग करते हुए मैं जा रही हूँ अपने घर। आई डोंट नो कौन आगे पहुँचेगा, आई होप मैं ही पहुँच जाऊँ। तो अभी लेती हूँ आप सबसे विदा इसी वादे के साथ कि मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।